हेलो दोस्तों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास दसवीं के हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन की ओर जाने से पहले इसके कुछ सामान्य निर्देश के बारे में जान लेते हैं कि आपका जो क्वेश्चन होगा चार खंड में, यानी क ख ग घ में विभाजित होगी। तो जिसका आपका पहला खंड क जो है, उसमें आपका अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश होगी, जो कि आपका 15 नंबर का होगा। दूसरा जो है खंड ख, इसमें व्यावहारिक व्याकरण से पूछा जाएगा, जो कि 15 नंबर का होगा। अगला जो है खंड ग, इसमें पाठ्यपुस्तक से पूछा जाएगा, जो कि 30 नंबर का होगा। और खंड घ में आपका रचना लेखन से पूछा जाएगा, जो कि आपका 20 नंबर का होगा। यानी कि कुल पूर्णांक आपका 80 नंबर का होगा और समय आपका 3 घंटे का दिया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला आपका खंड क है, जिसमें अपठित गद्यांश 8 नंबर का होगा और अपठित काव्यांश 7 नंबर का, यानी टोटल आपका 15 अंक का होगा। तो यहाँ पे देखिए, पहला जो आपका गद्यांश दिया गया है, वीडियो को स्किप कर लीजिएगा, जो गद्यांश है उसको पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इसका जो आंसर आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। और इसी के नीचे जो और एक है, दूसरा नंबर है, ये आपका काव्यांश है, आप इस कविता को पढ़ लीजिएगा और इसका आंसर आप क्लियर कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो है आपका खंड ख जो है, व्यवहारिक व्याकरण से जो पूछा जाता है, जो कि 15 नंबर का है। तो आपका पहला है कि निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। तो पहला है कि शिक्षक कविता पढ़ा रहे हैं, क्रिया के भेद का नाम लिखिए। अगला है कि बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, क्रिया पद छाँट कर लिखिए। अगला है किसान खेती कर रहा है, क्रिया पद छाँट कर लिखिए। इस तीनों को आपको बना देना है, जो कि इसमें 3 नंबर मिलेंगे। अगला है रिक्त स्थानों को पूर्ति अवयव पदों में दीजिए, यानी कि कीजिए। तो आपको यहाँ पे जो आपका रिक्त स्थान है, उस रिक्त स्थान में आपको अवयव पद भरना है, ठीक है। तो पहला है बच्चा चांद की देख रहा है, तो ये आपको जो खाली जगह जो है उसमें आपको अवयव पद भरना है। दूसरा है सम्यता रिक्त स्थान है, उसके बाद है रिक्ति संस्कृति एक दूसरे के पूरक है। अगला है हवा खाली स्थान है, बह रही है, तो आपको जो हवा जो इस खाली स्थान है उसमें आपको भर देना है, अवयव पद भरना है। याद रखिएगा अवयव पद ही भरना है, उसके बाद कोई दोबारा भर दीजिए, कोई दूसरा चीज भर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और अगला है कि वह खाली स्थान आलोचना ही करता है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। तो पहला है रचना की दृष्टि से वाक्य के तीनों भेदों के नाम लिखिए। अगला है सूर्योदय हुआ और उजाला छा गया, यह किस प्रकार का वाक्य है। अगला है कलाकार मूर्ति गढ़ता है कर्मवाची में बदले, जो आपका निर्देश कह रहा है आप उसी निर्देश से बनाइएगा, ठीक है। और अगला है मुझसे चला नहीं जाता भाववाची में बदले। अगला क्वेश्चन है निर्देशानुसार उत्तर दीजिए, जो आपका निर्देश कह रहा है उसी अनुसार आपको आंसर देना है। तो पहला है कि लोकतंत्र का समास विग्रह कीजिए। दूसरा है यथासंभव कौन समास है। अगला है बहुव्रीही समास का एक उदाहरण दीजिए। अगला है अंबर के दो भिन्न अर्थ लिखें। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका खंड ग से है, जो कि पाठ्य पुस्तक से है, जो कि टोटल 30 नंबर का है। तो पहला है देखिए, आपका यहाँ गद्यांश है, तो ये गद्यांश आप को स्किप कर लीजिएगा, उसका ध्यान पढ़ लीजिएगा, उसका आंसर क्लियर कर लीजिएगा। और इसी अथवा में और एक है गद्यांश है, इस दोनों में से किसी एक को ही बनाना है आपको, आपके बोर्ड एग्जाम में यदि आ जाए तो आपको ये जो है दोनों को गद्यांश को पढ़ लीजिएगा, वीडियो स्किप करके, और इसका आंसर क्लियर कर लीजिएगा। ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पहला है बाल गोविंद भगत की वेशभूषा कैसी थी। अगला है लखनवी अंदाज पाठ के शीर्षक के औचित्य पर प्रकाश डालिए। अगला है फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसे क्यों लगती थी। अगला है काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्ला खां को व्यथित करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जो आपका काव्यांश है आप इसको इससे रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है आप इसको बना लीजिएगा, तो ठीक है, तो आप बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी में और एक अथवा में और एक कविता है, इस कविता को पढ़कर आप इसका आंसर बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में दीजिए। तो पहला है परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। अगला है बच्चे की मुस्कान और एक बड़े की मुस्कान में क्या अंतर है। अगला है माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों
क्यों लग रही थी। अगला है, संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि माता का आंचल पाठ में माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। इसी का अथवा में है जीतन नारगे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं। अगला क्वेश्चन है खंड ग से, जो कि रचना लेखन से है, जिसमें कि आपका 20 नंबर रहेगा। पहला है, दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 250 शब्दों में निबंध लिखे, यानी कि आपको 250 शब्दों में निबंध लिखना है जो आपका संकेत दिया गया है। पहला है कि बेरोजगारी की समस्या, दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण, तीसरा है जीवन में खेलकूद का महत्व। ये तीनों जो है आप क्लियर कर लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको किसी में से आपको एक को ही आपको बोर्ड एग्जाम में बनाना, लेकिन ये क्लियर अभी कर लीजिए, आप तैयार कर लीजिए अपने बोर्ड के लिए। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के किसी ऐतिहासिक स्थल का वर्णन करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। अथवा है, मलेरिया से बचाव हेतु अपने जिले के स्वास्थ्य पदाधिकारी को एक अनुरोध पत्र लिखिए। अगला है इसी का कि 14 स्टेट, देखिए इस प्रश्न नंबर 14 जो है कहता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से शैक्षिक ऋण योजना विषय पर एक विज्ञापन लगभग 50 शब्दों में प्रयुक्त कीजिए। यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से जो शैक्षिक ऋण योजना है उस विषय पर आपको एक विज्ञापन देना है जो कि 50 शब्दों का हो, ठीक है। और इसी का है, अथवा में लगभग 50 शब्दों में किसी दर्दनाशक तेल का विज्ञापन तैयार कीजिए। कोई भी तेल हो या दर्दनाशक तेल हो, अब उसमें क्या करना है, आपको 50 शब्दों का एक विज्ञापन तैयार करना है। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आप तैयार कर लीजिए अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। और आप हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।